मेरा नाम शैलजा, मैं सर्वो बर्वे ममता माध्यमिक स्कूल कुरला में साइंस की शिक्षिका हूँ। और मैं आज आप लोगों को अनुवांशिक विकृति पढ़ाने वाली हूँ कि अनुवांशिक विकृति को जेनेटिकल डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। ये टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आज रिवीजन करेंगे इसके ऊपर। अनुवांशिकता और परिवर्तन, ये जो 16वां पार्ट है आपके साइंस 2 का, यानी पेपर 2 का जो 16वां पार्ट है जिसका नाम आनुवंशिकता और परिवर्तन है, उसमें ही ये टॉपिक है अनुवांशिक विकृति, जिसमें होता है कि गुणसूत्रों की असामान्यता। गुणसूत्रों की असामान्यता का क्या अर्थ है कि साधारणता जैसे गुणसूत्रों की स्थिति होती है, अगर वैसी ना हो तो, यानी अगर सामान्य ना हो के असामान्य स्थिति में हो तब, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जनकों के उत्परिवर्तन के कारण भी हो सकता है ये, अगर सामान्य स्थिति ना होकर अब सामान्य हो गुणसूत्रों की स्थिति, तो ऐसी स्थिति में उसको, जिस व्यक्ति के अंदर उनके गुणसूत्रों में ऐसी स्थिति है, उन्हें आनुवांशिक विकृति या कोई आनुवांशिक बीमारियां, आनुवांशिक से संबंधित ऐसी स्थिति हो सकती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो क्या, गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण या जनकों के उत्परिवर्तन होने वाले रोगों को आनुवांशिक विकृति कहते हैं। और इस विकृति में गुणसूत्रों का अधिक संख्या में होना या कम होना, अधिक संख्या में होना या कम होने का क्या तात्पर्य है कि साधारणता, कि आपको पता है कि मानव के शरीर में 23 जोड़ियां गुणसूत्रों की होती हैं, जिसमें से 22 जोड़ियां अलिंगी गुणसूत्रों की तथा एक जोड़ी लिंगी गुणसूत्रों की होती है, जिसमें स्त्रियों में एक्स एक्स हो सकता है और पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। कुल मिलाकर 23 जोड़ियां होती हैं, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव के शरीर में। लेकिन किसी विपरीत परिस्थिति में यदि उन गुणसूत्रों की संख्या में कोई कमी हो, यानी 46 से एक भी कम हुआ, 45, 44, कुछ भी हुआ, या उन 46 गुणसूत्रों से अधिक, जैसे 47 या 48 या और अधिक, जरा भी उनके गुणसूत्रों में कमी या वृद्धि हुई उनकी संख्या में, तो आनुवांशिक विकृति उत्पन्न हो सकती है। और यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि गुणसूत्रों के किसी भाग का लोप लोप अर्थात वो गायब रहता है, उस स्थान पर नहीं रहता, या स्थानांतरण, जैसे एक स्थान पर जहां पर उसे होना चाहिए उस जगह पे ना होकर वो किसी और स्थान पे होगा, तभी भी अनुवांशिक विकृति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर अनुवांशिक विकृति के कुछ गुणधर्म है जिन्हें हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे फास्ट फूड, रंजकहीनता, शारीरिक व्यंग तथा सिकल सेल रक्तअल्पता और हीमोफीलिया। सबसे पहले तो देखिए फास्ट फूड क्या होते हैं। फास्ट फूड मतलब ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर का जो होंठ होता है और नाक के बीच का हिस्सा कटा हुआ होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कुछ ऐसे रेयर व्यक्ति होते हैं जिनके दांतों के ऊपर जो ये होंठ होता है ये पूरी तरह से कटा हुआ होता है, और नाक तक, यानी जहां से हमारी नाक की रचना शुरू होती है उस स्थान तक वो पूरी तरह से कटा होता है। तो ऐसे बच्चों को या ऐसे व्यक्तियों को जिनको ये विकृति है, उस विकृति को फास्ट फूड कहते हैं। रंजकहीनता, रंजकहीनता में क्या होता है कि शरीर सफेद पड़ जाता है, बालों का रंग भूरा हो जाता है, आंखें गाढ़ी भूरी हो जाती हैं और आंखें रोशनी में खुलती नहीं। ये ऐसा क्यों होता है? किसी आनुवांशिक विकृति के कारण गुणसूत्रों में यदि कोई दोष आता है तो ये रंजकहीनता बीमारी हो सकती है। इस बीमारी में क्या होता है कि त्वचा के भीतर या बालों के नीचे जो एक पदार्थ होता है जिसे हम मेलेनिन कहते हैं, क्या कहते हैं? मेलेनिन। उस मेलेनिन की जो उत्पादन की मात्रा है, यानी जो उसकी उत्पत्ति होती है, उसका जो प्रोडक्शन त्वचा के भीतर होता रहता है, वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। और मेलेनिन ही वो पदार्थ है, या एक तरीके का आप कह सकते हो कि प्रोटीन ऑफ स्किन है,
जिसके कारण हमारे त्वचा का रंग, बालों का रंग, आंखों का रंग, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं या मेंटेन रहती हैं, स्टेबल रहती हैं। उसमें यदि कोई कमी या वृद्धि हुई तो त्वचा के रंग और बालों के रंगों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और इसके कारण यदि मेलानिन नामक जो पदार्थ है जो त्वचा के भीतर या बालों के नीचे पाया जाता है, उसमें अगर उसकी उत्पादन क्षमता या पूरी तरह से उसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा हमारे शरीर में, तो मेलानिन के अगर ना होने के कारण ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसे रंजकहीनता कहते हैं। इसमें त्वचा पूरी तरह से सफेद हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेलानिन जो पदार्थ है वो शरीर में उत्पन्न ही नहीं हो रहा था, त्वचा का रंग जो है वो ब्राउन या हमारा स्किन कलर जैसा होता है वो होगा ही नहीं। ठीक उसी तरह से वही पदार्थ हमारे स्कैल्प में पाया जाता है। स्कैल्प यानी बालों की जड़ें जहाँ से निकलती है वहां पर ये मेलानिन पाया जाता है। और जब ये मेलानिन वहां से भी अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वहां पे भी अगर उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो उसके भी रंग क्या होते हैं, पूरी तरह से ब्राउन या सफेद हो जाते हैं। ये भी एक साथ जो है आनुवांशिक विकृति है जो गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण होता है। और इसके बाद आता है शारीरिक रंग। शारीरिक रंग अर्थात हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं उनका रंग होना, यानी वो ठीक रूप से उनका जो संरचना है उनकी वो ठीक तरीके से ना होना। जैसे आड़े टेढ़े हाथ, छोटे एक पैर छोटा, एक कभी कभी होता है हड्डियां बड़ी होती हैं, या रीढ़ की हड्डी में कोई दोष, ये सारी जो हड्डियों से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं वो शारीरिक रंग के अंतर्गत आ सकती हैं। उसके बाद आता है सिकल सेल रक्तालपता। रक्तालपता का अर्थ है खून की कमी होना। ये सिकल सेल रक्तालपता है जो अनुवांशिक विकृति इसलिए कही क्योंकि ये साधारण रक्तालपता की बीमारी नहीं है। इस बीमारी में जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी है या जिस बच्चे को है ये, वो क्या होता है, ऐसे टाइम जो पीड़ित व्यक्ति है उसके शरीर की पूरी जो त्वचा है वो पूरी तरह से खुरदरी हो जाती है, उस पे लाल तरह के पैचेस धब्बे पड़ जाते हैं, और कभी कभी तो त्वचा फट जाती है, उसमें से खून भी आने लगता है। तो ये एक बहुत डेंजरस बीमारी है जिसमें खून की मात्रा जो होती है, जो आपका HB लेवल है, हीमोग्लोबिन, जो आपके रक्त के अंदर प्रोटीन पाया जाता है उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, आपको पता है, आप पहले पढ़ चुके हो, उसकी मात्रा कम होती जाती है लगातार। और ऐसे व्यक्ति या ऐसा पीड़ित व्यक्ति जो इस बीमारी से सिकल सेल रक्तालपता जिसे कहते हैं, वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता। और ये एक आनुवंशिक बीमारी है। यदि पीड़ित इससे कम प्रभावित है और यदि उसकी अगली पीढ़ी आती है तो वो भी जरूर 100% इस बीमारी से पीड़ित होगी, क्योंकि ये जीन्स जो होते हैं आपके जनुकों द्वारा ये संक्रमित होती है अगली पीढ़ी में ये बीमारी। उसके बाद आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये बीमारी है जिसमें शरीर में चोट लगने के बाद खून जो है वो उसका बहाव जो है वो जल्दी से रुकता नहीं है। अगर जल्दी से नहीं रुकता ये तो बहुत गंभीर बीमारी है, क्योंकि यदि कभी आपको कोई चोट लग गई और खून ही नहीं बंद हुआ तो क्या होगा, खून अधिक बह जाने के कारण भी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जिनके कभी चोट लगती है और उनका खून का प्रवाह जो है वो जो लिमिट साधारणता क्या होता है कि हमें कोई छोटी मोटी चोट लगी तो 5, 10, 15 मिनट में खून बहना जो है वो बंद हो जाता है, पर जो व्यक्ति हीमोफीलिया नामक बीमारी से पीड़ित है उसका जो रक्त प्रवाह है वो 15-20 मिनट तक भी वो बंद नहीं होगा और अपने आप तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें इलाज की आवश्यकता होती है। और इसमें होता क्या है कि मनुष्य में जो 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़ियों के रूप में होते हैं, और गुणसूत्रों की जोड़ियों का आकार जो है वो आयतन में भिन्नता होती है, इसलिए इनके अनुक्रमांक भी दिए गए हैं कि 23 जोड़ियों में से 22 जोड़ियां जो होती हैं वो अलिंगी होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर जो PPT है कि अलिंगी जो गुणसूत्रों की जोड़ियां हैं वो थोड़ी बड़ी, और आप बाई तरफ से 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर दिए हुए। टोटल ये जो 22 गुणसूत्र हैं ये अलिंगी हैं। और यहाँ पर बच्चों को आप दाहिनी तरफ देख सकते हो आप लोग स्क्रीन पर, यहाँ पर सिर्फ एक जोड़ी, यानी एक जोड़ी जो गुणसूत्र है जो क्रोमोजोम्स है
वो हैं लिंगी गुणसूत्रों की, और वो स्त्रियों और पुरुषों में भिन्न होते हैं। स्त्रियों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं लिंगी, उन्हें XX नाम दिया गया है, और पुरुषों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उन्हें XY नाम दिया गया है। और इन्हीं गुणसूत्रों में कमी या वृद्धि आ जाने के कारण इनकी संख्या में जो आनुवंशिक विकार है वो उत्पन्न होता है, और उसमें से हम लोग सबसे पहला विकार जो है आनुवंशिक विकार वो देखेंगे, जिसे डाउन सिंड्रोम अथवा मंगोलिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। इस बीमारी जो है नाम जो है वो मंगोलिकता या फिर उसे डाउन सिंड्रोम साइंस की भाषा में कहते हैं। और इस बीमारी में होता क्या है कि आपके शरीर के अंदर जो 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, 23 जोड़ी और टोटल कितने 46 गुणसूत्र जो पाए जाते हैं, ऐसी स्थिति में एक गुणसूत्र उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है किसी कारणवश या किसी विपरीत परिस्थिति में। तो होता क्या है कि ऐसी स्थिति में वो बच्चा या जो होने वाली संतान है या जो भी व्यक्ति है उसके अंदर ये लक्षण आ जाते हैं, मंगोलिकता या डाउन सिंड्रोम वाले। और क्या होता है कि ऐसे बालक जो होते हैं वो गतिमंद होते हैं, कई मामलों में तो बालक जो है वो अल्पायु भी होते हैं, यानी कुछ वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी जो गर्दन है वो भी फैली हुई होती है, नाक चपटी होती है, अंगुलियां छोटी होती है, हर तरह का आड़ी टेढ़ी होती है, सिर पर विरल बाल जैसे होते हैं। और सिर पर जो विरल बाल होते हैं, यानी एक स्थान पे बाल होगा दूसरे स्थान पे नहीं होगा, फिर थोड़ी जगह छोड़कर और दूसरी जगह पे बाल होगा, यानी बीच बीच में खाली स्थान रहेगा। और इसी तरह की एक बीमारी और है जिसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम जो बीमारी है ये लिंगी गुणसूत्रों में दोष के कारण होता है। लिंगी गुणसूत्रों में दोष के कारण, अब सामान्यतः जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पर जो 44 गुणसूत्र है अलिंगी वाले उसमें एक एक साथ और एक एक गुणसूत्र लैंगिकता से जो बाधित समस्याएं हैं या फिर उनका जो ये प्रभाव डालता है उससे क्या होता है कि लैंगिकता से संबंधित जो भाग है वो पूरी तरह से निरुपयोगी हो जाते हैं, यानी उनकी जो प्रजनन क्षमता है वो कम हो जाती है। और ऐसे में क्या होता है कि प्रजनन इंद्रियां भी पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं, और इसके कारण उनकी जो इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उनकी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्लाइड में कि एक टर्नर सिंड्रोम से बाधित बच्चे का जो हाथ है वो पूरी तरह से फूला हुआ है। देख सकते हैं आप उसकी हथेलियाँ, हाथ और ऊपर की उंगलियां वगैरह, ये इनकी जो संरचना है वो बिल्कुल अलग होती है दूसरों से, और वो फूले हुए, उसमें एक तरीके की सूजन होती है। और इसी तरह से एक और आनुवंशिक विकार है जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसे क्लाइनफेल्टर संलक्षण भी कहते हैं। और इस संलक्षण में ये जो बीमारी है ये सिर्फ पुरुषों में होती है, और ये पुरुषों के लैंगिक जो गुणसूत्र हैं यानी जो लिंगी गुणसूत्र हैं उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली ये बीमारी है। इसमें भी सेम टर्नर सिंड्रोम के जैसे ही लक्षण है इसके भी, बस यहाँ पर होता क्या है कि वहां पर 44 गुणसूत्र के साथ एक एक्स ही जुड़ता था, और यहाँ पर क्या जुड़ता है 44 के साथ एक्स वाई जुड़ता है, क्योंकि महिलाओं में आपको पता है कि एक्स वाई ये दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए उसका एक्स एक्स होते हैं इसलिए ये दोनों में से कोई एक एक्स ही जुड़ेगा। लेकिन पुरुषों में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो एक्स वाई क्रोमोसोम्स 44 के इसमें साथ में जुड़कर ये ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि जो एक आनुवंशिक विकार उत्पन्न करते प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा और कौन सी बीमारियां हैं हम लोग वो भी देख सकते हैं अभी यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि अगली जो स्लाइड है यहाँ पर, मैंने अभी आपको बताया कि रंजकहीनता जो बीमारी है, मैंने बताया उसमें त्वचा सफेद हो जाती है, बालों का रंग सफेद हो जाता है, आंखें इस तरह से लाल हो जाती है। ये बीमारी भी बताया मैंने कि मेलानिन की कमी के होने के कारण होता है, और उसके बाद में रक्तअल्पता, ये भी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके उपाय क्या है और इनसे बचा कैसे जा सकता है।
उपाय क्या है और इनसे बचा कैसे जा सकता है। जैसे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिकल सेल रक्ताल्पता से पीड़ित जो बच्चा है या व्यक्ति है, उसे सिकल सेल रक्ताल्पता से पीड़ित व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब दोनों का विवाह होगा तो होने वाली संतान भी सिकल सेल रक्ताल्पता से पीड़ित ही होगी 100%। लेकिन यदि कभी इन इन सच केसेस के क्या होता है कि अगर कभी आप कोई एक व्यक्ति जो है वो पीड़ित है और उसका विवाह जिसके साथ में हो रहा है वो सामान्य स्थिति वाला है, तो ऐसे में 50% ऑफ चांसेस क्या हो जाते हैं कि जो होने वाली संतान है वो पीड़ित हो भी सकती है और 50% चांसेस में कि नहीं भी हो सकती, यानी बराबर का संभावना बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम उपाय क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो देखो कि यह बीमारी जो है वो प्रजनन द्वारा प्रसारित होती है, इसलिए शादी के पूर्व या बाद वर वधु दोनों के रक्त की जांच करवानी चाहिए और सिकल सेल वाहक पीड़ित व्यक्ति को दूसरे पीड़ित व्यक्ति से विवाह टालना चाहिए और सिकल सेल पीड़ित व्यक्ति को प्रतिदिन एक फॉलिक अम्ल यानी एक फॉलिक एसिड विटामिन सी की गोली भी खानी चाहिए और इससे क्या होता है कि यह बीमारी कंट्रोल की जा सकती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर और एक चीज देख सकते हैं कि सिकल सेल रोग होता किस प्रकार है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सिकल सेल और संतान का जन्म, आप देख सकते हैं कि माता व पिता दोनों सामान्य हुए तो संतान निरोगी होगी, माता या पिता में से एक सामान्य एक वाहक हो तो संतान के सामान्य या वाहक होने की संभावना आधी आधी हो जाती है और माता या पिता में से एक सामान्य और एक पीड़ित हो तो वह संतान वाहक होगी और माता और पिता दोनों वाहक हो तो संतान के सामान्य होने की 25% संभावना होती है और पीड़ित होने की जो संभावना है वो 25% और वाहक होने की आशंका पूरे 50% होती है। और एक और स्थिति में हम देख सकते हैं कि माता पिता में से एक वाहक और एक पीड़ित हो तो संतान के वाहक होने की 50% और पीड़ित होने की भी 50% आशंका बनी रहती है और माता पिता दोनों पीड़ित हो तो गारंटीड यानी 100% शत प्रतिशत जो होने वाली संतान होगी वो सिकल सेल रक्ताल्पता से पीड़ित होगी। और इसको दूर करने के लिए हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण जो है आरोग्य अभियान के अंतर्गत सभी जिला अस्पतालों में सिकल सेल निदान की सोलबिलिटी टेस्ट की भी सुविधा है, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसके लिए कार्य किया और उसी प्रकार ग्रामीण तथा जिला अस्पतालों में इलेक्ट्रोफोरेसिस यह निश्चित करके उसकी जांच की जाती है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में ये सिकल सेल एनीमिया जो है इससे जो है वो बीमारी थोड़ी सी कम की जा सकती है या टाली नहीं जा सकती लेकिन उसका प्रभाव जो है वो कम किया जा सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये वाली जो दत्रा यहाँ पे दात्र कोशिका रक्ताल्पता देखा यानी प्रथिन डीएनए आदि अणुओं की संरचना के कारण एकदम छोटे बदलाव के परिणाम स्वरूप रोग या विकार है, हीमोग्लोबिन अणु की रचना का छठा अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल होता है, इस द्योतल सामान्य आकार है वो बदलकर हसीये के आकार की हो जाती है और इस स्थिति में दात्र कोशिका रक्ताल्पता हो जाती है और इस रोग से बाधित जो व्यक्ति होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन का संवहन करने की क्षमता जो है वो पूरी तरह से कम हो जाती है और इस स्थिति में कई बार लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी गुठली बन जाती है यानी वो जो रक्त कणिकाएं हैं वो जमना शुरू हो जाती है और इसमें वो क्या होता है कि परिणाम स्वरूप रक्त वाहिनियों में रुकावट पैदा हो जाती है और परिसंचरण संस्थान मस्तिष्क फेफड़े वृक्क और आदि को भी क्या होती है क्षति पहुंचती है और यह रोग अनुवांशिक है
निषेचन के समय जनकीय बदलाव के कारण यह रोग होता है। माता या पिता दोनों सिकल सेल पीड़ित अथवा वाहक हो तो उनके बच्चों को यह रोग हो सकता है, संभावनाएं ऐसी होती हैं। और इस कारण समाज के सिकल सेल पीड़ित या सिकल सेल वाहक व्यक्तियों का आपस में विवाह जो है वो टालना जो है बेहतर होगा। और सिकल सेल बीमारी के दो प्रकार हैं, जैसे सिकल सेल वाहक व्यक्ति कैरियर या सिकल सेल पीड़ित व्यक्ति। और सिकल सेल रोगी की पहचान और लक्षण क्या है? हाथ पैर सूजते हैं, जोड़ों में दर्द, असहनीय वेदना, सर्दी व खांसी बार बार होना, शरीर में थोड़े ज्वर का होना, जल्दी थकान होना, चेहरा निस्तेज दिखना और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम दिखना। तो हमने जो जनकीय विकारों की जो अध्ययन था वो हमने पूरा कर लिया है। और ये जनकीय विकार कौन कौन से हम देख सकते हैं कि रंजकहीनता, सिकल सेल रक्ताल्पता, हीमोफीलिया, फास्ट फूड, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और मंगोलिकता। मंगोलिकता को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है उसका? ठीक है, तो ये सभी बीमारियां जो है ये अनुवांशिक विकृतियां हैं। और आज का जो टॉपिक था वो हमारा खत्म होता है। इसमें से यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एक और चीज है कि महाराष्ट्र के लगभग 21 जिले जो है सिकल सेल से प्रभावित हैं और इसमें विदर्भ के 11 जिलों का समावेश होता है। और पूरे राज्य में लगभग 2.5 लाख से अधिक सिकल सेल बाधित रुग्ण हैं। आप ये सारे डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, आप इंटरनेट के द्वारा भी इन्हें पता कर सकते हैं। और रंजकहीनता आप देख सकते हैं कि रंजकहीन एक जनकीय विकार है। इस विकार में शरीर मेलानिन नामक रंजक द्रव्य तैयार नहीं कर पाता। आंखें, त्वचा और बालों को मेलानिन नामक भूरे रंग के रंजक के कारण ही रंग प्राप्त होता है। और रंजकहीन व्यक्ति की त्वचा निस्तेज होती है और बाल सफेद होते हैं। आंखें सामान्य तौर पर गुलाबी होती है क्योंकि आंख की पुतली और दृष्टि पटल में रंजक द्रव्य नहीं होता। ये है आपका टॉपिक, यहीं पे खत्म होता है। जिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। सर हो गया मेरा।